हेलो पीपल। सो आज हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं कि e की पावर x जो होता है, इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या होगा, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, लॉगरिथम वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, एंड सो ऑन। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले बताओ, e की पावर x का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल, अगर मैं लिमिट वाली डेफिनेशन चलूंगा अपनी, देन इट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। फिर क्या होता है, f के अंदर x प्लस h। अब यहाँ पे हमारा क्या है, e की पावर x है, तो e की पावर में x प्लस h हो जाएगा यहाँ पर, एंड माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एच, राइट। अब हमारे पास ये जो चीज़ आई है, इसमें से मैं इसको, मुझे इसी को ही सॉल्व करना है, जो भी करना है यही है मेरे हाथ में, राइट। तो हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ई की पावर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या रह गया, ई की पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। अब ये जो ई की पावर एक्स है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जो ये लिमिट है उसके नीचे एच लगा हुआ है, तो तुम्हारा एच जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। मेरे ध्यान से देखो, एच है ये, एच टेंड्स टू जीरो, तो x कहाँ जा रहा है हमें क्या पता, फर्क ही नहीं पड़ता उससे कोई। अरे जो हमारी लिमिट है वो h पे लगी हुई है, तो e की पावर x तो एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया यहाँ पर, क्योंकि x इस लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब मुझे जो चीज़ दिख रही है स्क्रीन पे अपनी, थोड़ा इसको मैं ज़रा पास में लिखता हूँ, तो ये है वो, राइट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो जो मेरा लिमिट का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा ना, उसमें तो ये ऑलरेडी एज अ स्टैंडर्ड लिमिट में पढ़ाऊंगा, राइट। तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग कोर्स है वो तुम ले सकते हो, उसमें ऑलरेडी पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। वो खैर थ्योरी ऑफ कैलकुलस की बात करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो भी ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको अभी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, हमने एक्सपेंशन पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, अगर तुम्हें याद हो, है ना। तो उसमें क्या था, उसमें अगर तुम्हें याद हो तो ई की पार एक्स जो होता था उसको हम क्या लिखते थे, वन प्लस, है ना। अब एक्स की जगह पर बस एच ही तो लिखा हुआ है, तो एच बाय वन फैक्टोरियल, एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, राइट, एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। यही तो करते हैं, और ये तुम करोगे, उसके बाद साइड में एक माइनस वन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला माइनस वन इस वन को काट देगा और बाकी ये सब कुछ एज इट इज रहेगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर एक एच भी लगा हुआ है। अब ये वाला जो एच है, ये इसको काट के यहाँ पर एक वन कर देगा, ये आपका सिंपल एच का एच रह जाएगा, यहाँ पर एच का स्क्वायर रह जाएगा, एंड सो ऑन। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हट गया, ठीक है, ये हट गया यहाँ से, ये इसने हटा दिया इसको, ठीक है, ये वन बन गया सिंपल। तो ये कन्फ्यूज ना हो यहाँ इससे, तो इट इज़ लाइक यहाँ पर एक वन लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका सिंपल एच बाय टू फैक्टोरियल लिखा हुआ था, राइट। तो ये अभी मैं इसको ज़रा सही से लिखता हूँ तो समझ में आएगा। तो देखा जाए तो ये ऐसे लिखा हुआ है, एच बाय टू फैक्टोरियल यानी कि टू, एच बाय थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स, एंड इसी टाइप से इन्फिनिटी तक एच के टर्म्स लिखे हुए हैं, ये एच का स्क्वायर है यहाँ पर। तो अगर एच टेंड्स टू जीरो है तो ये सब तो जीरो जीरो, ये आगे वाले तो सबके सब क्या हो जाएंगे, जीरो होगा ये, तो सिंपल वन बच गया यहाँ पर, राइट। तो लिमिट अगर तुम लोगे एक कॉन्स्टेंट का तो वो तो वन ही हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स इंटू वन, तो आंसर इज ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब कि e की पावर x का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो आंसर e की पावर x ही आ गया। जैसे मैं अगर मैं बोलता हूँ x स्क्वायर का डेरिवेटिव लो तो आंसर आता है 2x, तो कुछ डिफरेंट आता है, राइट। पर e की पावर x का लिया तो e की पावर x ही आ गया। वैसे तो ये बहुत ही सुंदर है, ऐसा एक रीज़न भी ऐसा क्यों हो रहा है, पर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, तो मैं उस पर एक अलग से बोनस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो आपको आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो उसको, आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है यार, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसको इंटरेस्ट है वो देखना इस वीडियो को सिर्फ, तो वो एक बोनस वीडियो टाइप की होगी जिसमें मैं ये समझाऊंगा कि ई की पार एक्स उसमें ऐसा खास क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे वही चीज़ मिल गई, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग थिंग, और ये ऐसे समझाना नहीं कि जैसे मैंने समझाया है तुम्हें, तो जिसको इंटरेस्ट है पूरी स्टोरी जानने के लिए, क्योंकि ई बना ही ऐसे था, ई एक्चुअल में बना ही कैलकुलस के थ्रू है। खैर वो सब मैं उस पर नहीं जा रहा अभी, ठीक है ना। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेटर से मैं जनरलाइज कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए की पार एक्स, ठीक है। कोई भी जनरल ए ले लिया मैंने, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, तो ए की पावर एक्स बाहर आएगा, जैसे ई की पावर एक्स बाहर, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है, राइट। बस यहाँ पर एक्सपेंशन का फर्क होने वाला है, यहाँ पर ये ए है, ओके, आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो सीरीज आएगी, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो वो ये मैं बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं, तो ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था, वो लॉगरिथम उसमें होता था, राइट। तो ए की पावर एक्स तो यहाँ पर आ ही जाएगा, और फिर क्या आएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो तुम्हें याद होगा मैंने कैसे याद करवाया था तुम्हें, देखो ये नीचे एच तो ऐसी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ए की पावर एच का पहले एक्सपेंशन लिखते हैं, तो क्या बनेगा, वन प्लस एच लॉन ए बाय वन फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, एच लॉन ए का होल स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, एंड सो वन, इसी तरीके से चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, राइट। तो अगर इसी चीज़ को तुम यहाँ लिखोगे, तो अगर मैं इसमें एक माइनस वन कर दूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, बोलो इतनी बात तो हम यहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एच लॉन ए प्लस में एच स्क्वायर लॉन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता रहेगा ये इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अच्छा,
अब ये जो एच है ये इसने इसको काट दिया इस एच को, और बाकी सारे एचेस जो है वो अभी भी जिंदा रह जाएंगे सब में। तो जब एच टेंड्स टू जीरो होगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, इस जीरो की वजह से ही सबके सब आपके क्या हो जाएंगे, आगे वाले सबके सब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, अगर देखा जाए तो ये तो सब जीरो हो गया, हटाओ इसको, फिर ये वाला एच जो है इस वाले एच ने इस वाले एच को काट दिया, तो सिंपल एक लॉगरिथम ए बचा, क्या बचा, लॉन ए, ठीक है लॉन ए। अब इसको ध्यान से देखो, ये एक कॉन्स्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई एच तो लगा हुआ नहीं है, तो यानी कि लिमिट हट गई, तो कॉन्स्टेंट है, तो ये मेरा आंसर हो गया ए की पार एक्स इंटू लॉन ए, ठीक है। तो ये मेरे दो फॉर्मूले हो गए। अब इसको मैंने एज अ फॉर्मूले से मतलब बिल्कुल ही जो बुकिश तरीका होता है उसको मैंने बिल्कुल वैसे ही समझाया है, और मैं इसमें अब नहीं जाऊंगा डीप में, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट कर दूंगा। तो वही है कि इन दोनों पे मैं बोनस वीडियो बना दूंगा तो तुम क्लियर हो जाओगे। तो ई की पार एक्स का तो डेरिवेटिव ई की पार एक्स ही आता है, और ए की पार एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है ए की पार एक्स, बस एक साइड में एक लॉन ए और आ जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अभी इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं आप, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानो 5x, 5 की पार एक्स लेटर से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका पहले तो 5 की पार एक्स ही लिख दो और उसके बाद लॉन 5, दैट्स इट, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया लेटर से 2 की पार एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 की पार एक्स और उसके बाद लॉन 2। इनफैक्ट ई की पार एक्स को भी अगर तुम ऐसे ही देखो ना, तो पहले लिख दिया ई की पार एक्स और उसके बाद लिख दिया लॉन ई, पर अगर ध्यान से देखोगे तो लॉन ई क्या होता है भाई, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, लॉग के अंदर बेस में ई, तो ई और ई कट के एक तरीके से 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यही अतः ये स्पेशल है एक्चुअल में, ये जब ई जो है ना पूरा जो नेपियर्स कांस्टेंट इसको बोला जाता है, इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पर ये 1 बन जाए, उस वजह से एक कांस्टेंट ढूंढा गया था और उस कांस्टेंट को जब निकाला गया तो वो ई आया था, ठीक है। तो ये ई की बार एक्स कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि यहाँ पर 1 कैसे बन गया, पर एक्चुअल में बनाया ही इसीलिए था, मतलब इसको डिफाइन किया गया था इस तरीके से। एनीवे इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। चलो कुछ और करते हैं, जैसे ये तो चलो सिंपल वाले हो गए, जैसे चेन रूल हम लोगों को आता है। जैसे अगर मैंने ये बोला कि e की पार x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक की तुम ऐसे कर लो, e की पार x इंटू ई का क्यूब लिखा हुआ है ये, तो और इसका डिफरेंशिएशन है। अब e का क्यूब जो है वो एक सिंपल सा कांस्टेंट है, राइट, तो वो बाहर निकल के आ जाएगा, तो e का क्यूब इज ऑलरेडी आउट, राइट, एंड इट इज सिंपली e का क्यूब, और e की पार x का डिफरेंशिएशन e की पार x ही होता है, तो इसका आंसर e की पार x प्लस 3 ही आ जाएगा। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग डेफिनेटली, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब हम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो अगर x प्लस ए इस टाइप का कुछ भी होगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन e की में x प्लस ए इसी टाइप की चीज़ आ जाएगी, ठीक है। पर ये ऐसा हमेशा नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर e की पार लेटर से 2x है और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या आएगा आंसर, वेल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अब यहाँ पे तुम चेंज रूल लगा सकते हो, बल्कि इनफैक्ट तुम यहाँ पे भी लगा सकते थे। तो हम ऐसे लगा सकते थे ना कि दो फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ, तो एक तो लिखा है e की पार x और दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस 3, तो हमने क्या करा है, हमने ये एफ ओ जी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका बेसिकली हमने e की बार x के अंदर इसको अंदर डाल दिया है, कंपोज कर दिया है, तो e की बार x प्लस 3 इस वजह से बन गया, ठीक है। तो अगर मैं चेन रूल लगा दूं इसके अंदर, तो पहले तो मैं इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करूंगा, तो e की बार x प्लस 3 ही आ जाएगा, क्योंकि e की बार x का डिफरेंशिएशन e की बार x ही होता है, और उसके बाद x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज 1, दैट इज वाई इसका आंसर यही आ गया। पर अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ करूँ, जैसे e की बार 2x लिखा हुआ है और इसको तुमने डिफरेंशिएट किया, तो पहले तो ऐसे मान के लिखो कि जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ये सिंपल e की बार x लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की बार x, यानी कि यहाँ पर 2x लिखा जाएगा, और अब 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पार 2x। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है लेटर से e की पार 3x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या करोगे, पहले ऐसे मान लो कि यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो उस हिसाब से तो फिर e की पार मतलब एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद अब 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज सिंपल 3, ठीक है। तो जनरलाइज अगर करना चाहो तो कर सकते हो कि e की पार x अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका आंसर आएगा e की पार ax प्लस b, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन एंड दैट इज a, तो बस ऐसा है, याद वाद करने की कोई जरूरत नहीं, फालतू की चीज़ें। जैसे a है, a की पार में लेटर से मैं लिख दूँ 3x माइनस 4 और इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, तो पहले तो एज इट इज लिख दो a की पार 3x माइनस 4, उसके बाद लॉन a, ये तो मैंने अभी ऐसे मान के किया है जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, सिंपल x लिखा हुआ है, तो ये आता। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज 3x माइनस 4, एंड उसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे किसी ने लिख दिया e की पार sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, पहले ऐसे मान लो कि यहाँ x लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारे पास e की पार x, यानी कि e की पार sin x आ गया, और अब sin x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ a में होती, a भी मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, लेटर से मैंने बोल दिया 4 की पार sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 की पार sin x पहले तो कॉपी पेस्ट मार दिया, उसके बाद 4 है तो लॉन 4 होगा यहाँ पर, ठीक है, और अब sin x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, ठीक है, इस तरीके से। और ले लेते हैं लेटर से e की पार x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या पहले
उसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स मान के, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एंड दैट इज 2x। ठीक है, तो आई थिंक सो इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, अब ये तो बहुत ही बचकाने होगा जो अभी हमने किए हैं और आई थिंक सो इसमें तो मैं कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके, इसमें हम देख लेंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल के बारे में मुझे बात करनी है एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्स रूल। ठीक है ना, इनवर्स रूल कहते हैं हम इसको और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है, तो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। तो हम सब जानते होंगे पहले से कि e की पार x हमारे पास है और हमारे पास लॉगारिथम। ठीक है, चलो लॉग मैं a ले लेता हूँ यहाँ पर, सिंपल एक्सपोनेंशियल लेते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा। ये आपका a की पार x है और यह है log बेस ए एक्स। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही तो हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। ठीक है, क्यों है ऐसे, कैसे हम बोल दिया? तो इनवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे लेटर से मैंने बोला कि y जो है वो fx के बराबर है, तो फिर अगर मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ f इनवर्स, तो उसके अंदर अगर मैं y डालूंगा तो मुझे आंसर में x मिलना चाहिए। देखो इसको भी मैं उल्टा ही लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से फील आएगी कि अगर एक फंक्शन है f, उसके अंदर अगर मैंने x डाला तो मुझे y मिलता है। तो मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें अगर मैं y डालूं तो मुझे x मिले। ठीक है, इसी को तो हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ होती है। फॉर एग्जाम्पल लेटर से मैंने बोला कि 2 की पार 3 कर ले, तो 2 की पार 3 करोगे तो 8 मिलेगा, राइट? अब मैं कुछ ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं 8 डालूँ, जिसमें अगर मैं 8 डालूँ तो मुझे 3 मिले। जैसे अगर मैंने बोला ये लॉग के अंदर इसका बेस है 2 और इसमें मैंने डाला है 8, मैंने इसमें 8 डाला है तो मुझे 3 मिला। यू गेटिंग? क्योंकि यहाँ पर जो 3 था ये x की रोल कर रहा था, ये जो 3 है ये यहाँ बिल्कुल ऐसा था जैसे x और ये जो 8 था ये बिल्कुल ऐसा था जैसे y। तो ये ऐसे लिखा हुआ था समथिंग लाइक दिस कि 2 की बार x जो है वो y के बराबर है, तो log के अंदर अगर यहाँ पे मैं 2 तो पहले से लिखा ही रहेगा, वो तो फंक्शन है मेरा, ये पूरी चीज़ एक कॉन्स्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर मैंने क्या डाला? y डाला, तो मुझे आंसर में x मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, राइट? कि फंक्शन के अंदर x डालोगे तो y मिलेगा और अगर उसका इनवर्स बनाऊंगा तो उसके अंदर अगर y डालेंगे तो x मिलेगा, राइट? तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, राइट? तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ, इस चीज़ का मैं फायदा उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इससे करते हैं सीधे सीधे कि मुझे लॉग बेस ए एक्स, इसका मुझे बताना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो वैसे तो मैं इसको लिमिट वाले तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने ऊपर के दो निकाले हैं वैसे मैं इसको भी निकाल सकता हूँ, पर उसके लिए फिर से तुम्हें एक स्टैंडर्ड लिमिट आनी चाहिए पहले से, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो बोरिंग तरीका। ये तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है तो इससे करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं चीज़ों को जनरलाइज कर लूँ। देखो मैंने अभी क्या बोला कि कोई भी अगर एक फंक्शन है f, उसके अंदर अगर जब मैं x डालता हूँ तो मुझे y मिलता है। ठीक है, तो हम इसलिए बोलते हैं y इक्वल्स टू fx। सिमिलरली अगर मैं इसका एक इनवर्स फंक्शन बनाता हूँ f इनवर्स, तो उसके अंदर जब मैं y डालता हूँ तो मेरे को आपका x मिलता है, राइट? पर y जो है वो तो इसके बराबर है, तो क्या मैं इसके अंदर वापस ही सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो f इनवर्स, ठीक है, इनफैक्ट मैं इसका उल्टा भी यहाँ पर जो है कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा? f के अंदर f इनवर्स y, एंड यू कैन क्लियरली सी, क्योंकि x जो है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पर x ही लिखा हुआ है, ये अभी भी x ही लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, परफेक्ट। और अब ये बराबर हो गया किसके? ये सिंपल आपका y के बराबर हो गया, राइट? इतनी सिंपल चीज़ तो तुम समझ ही गए होगे, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर ना हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। ऐसे मान लिया अगर मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा होता, कैसे लिखा होता? इस तरीके से कि f के अंदर y डाला तो x मिला, मतलब कि एक तरीके से कुछ नहीं, बस यहाँ पे y लगा दिया, यहाँ पे x लगा दिया। अरे मेरा मानना कोई भी वेरिएबल लिखूँ, हाँ वो बात अलग है कि जब से तुम पैदा हुए तब से लेकर के हमेशा हम x एज अ इनपुट यूज़ करते हैं, y एज अ आउटपुट यूज़ करते हैं, पर अगर मैं उल्टा भी कर दूंगा तो बात तो वही चीज़ है ना, मतलब वो फीलिंग तो सेम है ना। तो इस केस में क्या होगा? f इनवर्स जो होगा उसके अंदर जब तुम x डालोगे तो तुम्हें y मिलेगा। अब ये देखने में तुम्हें अजीब लग रहा है पर चीज़ तो वही सेम चीज़ दिखी हुई है। अगर इसके अंदर मैं डालता हूँ f इनवर्स x तो मुझे क्या मिलेगा? f के अंदर f इनवर्स x इक्वल्स टू x। तो ये हमारी रिलेशनशिप हो जाती है x के अंदर। ठीक है, अब जो भी है फिलहाल, अब हमारे पास एक रिलेशन है f के अंदर f इनवर्स x इक्वल्स टू x। ठीक है, वैसे तो ये सब चीज़ें पहले से आती होंगी जिसने भी इनवर्स पढ़ रखा होगा। ओके, नाउ वॉट, अब क्या करेंगे? तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, चलो मैं डायरेक्टली करता हूँ, f के अंदर f इनवर्स x, राइट? ये चीज़ें तो लिखी हुई है, तो इस पूरे को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो वो किसके बराबर होगा? अरे ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में है क्या? सिंपल x है ये तो। ठीक है, तो वो देखने में भयानक लग रही है पर ये है तो x ही ना, तो x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये तो, एंड दैट इज सिंपली वन, दैट इज सिंपली वन, राइट? सिंपल। पर ये तो मैंने इस तरीके से कर दिया, पर अगर मैं चाहता तो मैं इसको चेन रूल से भी कर सकता था, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, एक तरीके से चेन रूल लगा सकता हूँ ना। थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे करो, तुम f इनवर्स जो लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के तुम g मान लो। ठीक है, तो ऐसे मान लो जैसे यहाँ लिखा है g,
अब तुम्हें एकदम चेन रूल वाली फीलिंग आ गई होगी इसको देखते ही, है ना, एकदम चेन रूल वाली फीलिंग आ रही है इसको देखते ही। तो अगर मैं चेन रूल से कर दूँ तो एफ को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट, उसके बाद अब जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट, यही तो डिफ्रेंशिएशन होगा। और हमें ये पहले से पता है कि इसका आंसर वन आ रहा है, इसका मैं फायदा उठा रहा हूँ। तो जी डैश एक्स को तो एज इट इज लिखे रहने दो यहाँ पर, और इसको इधर ले जाओ वन अपॉन में एफ डैश जी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स एक्चुअल में क्या था, वो तो एफ इनवर्स था, तो ये जी डैश एक्स मतलब कि जी एक्स का तुमने डिफरेंशिएशन किया, तो जी एक्स एक्चुअल में क्या है, एफ इनवर्स था ये, तो एफ इनवर्स एक्स का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, वन अपॉन में एफ डैश एफ इनवर्स एक्स। तो दिस इज दी फाइनल फॉर्मूला जिससे हम बड़े आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। अब तुम्हें ये देखने में लग रहा होगा क्या गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हो, क्या बकवास है ये, तुम्हें कोई ना तो कोई फील आ रही होगी ना कोई इंट्यूशन आ रहा होगा, और ये मैंने जान पूछ के इतना ऐसा मतलब प्रूफ तुम्हारे सामने किया जैसे कि तुम्हें लगे ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे पास कोई भी इसका तरीका नहीं है करने का। पर अभी मैं तुम्हें ऐसे कराऊंगा, फिर मैं तुम्हें इसकी फीलिंग दिलाऊंगा, और फिर तुम कहोगे अरे यार ये तो बहुत ऑब्वियस था, ये तो कॉमन सेंस था, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चीज़ आनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लेंगे इसको, या फिर ऐसे समझा देता हूँ डायरेक्टली। देखो इसका इस फीलिंग को समझो पहले, ठीक है ना, कि इसका मतलब क्या है। जैसे तुम्हें किसी भी अगर इनवर्स फंक्शन का तुम्हें लेटर से डिफरेंशिएशन निकालना है, किसने बोल दिया जैसे लॉग का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले तो वन अपॉन के अंदर जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा, जैसे एफ इनवर्स मुझे दे रखा है, तो एफ एक्स जो होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या है पहले वो लिख लो। तो हमने पहले एफ एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन है वो लिख दिया, और जो भी आंसर आया अब उस आंसर के अंदर एक्स के अंदर इसके अंदर एफ इनवर्स एक्स को डाल दो। ये क्या मतलब है इसका वो समझाता हूँ। देखो जैसे एफ इनवर्स एक्स लेट एक्स से तुम्हें लॉग बेस ए एक्स इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन बताना है कि क्या होगा। तो पहले वन अपॉन के अंदर इसका जो इनवर्स है, इसका इनवर्स क्या होगा, मतलब इसका जो उल्टा है, दैट इज ए की पार एक्स, तो ए की पार एक्स का डिफरेंशिएशन लिख लो, दैट इज ए की पार एक्स लॉन ए, यही तो होगा। अब ये जो आया है इसके अंदर में एक्स इक्वल्स टू जो इनवर्स फंक्शन है यानी कि ये, वो इसके अंदर मैं वापस डाल दूंगा, ठीक है ना। तो लॉग बेस ए, ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत शॉर्टकट है, बाकी हर प्रूफ में बहुत टाइम लगेगा, प्रूफ मतलब कि अभी आगे भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले देखेंगे तो उससे बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर कोई काफ़ी क्वेश्चंस में भी बहुत काम में आता है तो वो देख लेंगे हम। तो बेसिकली क्या बन गया, वन अपॉन के अंदर ए की पार में लॉग ए एक्स, और ये एज इट इज लिखा रह गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये ए और यहाँ से हट गया, ये ए और ए, तो सिंपल एक्स रह गया, दैट इज वन अपॉन एक्स लॉन ए, दिस इज द आंसर। यानी कि अगर जब भी मैं लॉग ए एक्स इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इनफैक्ट यहीं से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर बेस मेरा ई होता, यहाँ पे अगर लॉन होता इस टाइप से, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तुम कर रहे होते तो यहाँ पे क्या आता, वन अपॉन एक्स लॉन ई, और लॉन ई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो उसका आंसर सिर्फ वन बाय एक्स आता है। तो अब हमारे पास चार रिजल्ट आ चुके हैं, पहले तो वो लिख देते हैं जल्दी से, ई की पार एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज ई की पार एक्स, ठीक है, ए की पार एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज ए की पार एक्स लॉन ए, ठीक है, और लॉन ए का अगर तुम डिफरेंशिएशन करते हो, सॉरी लॉन एक्स का, आई मीन से लॉन एक्स इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यू विल गेट सिंपली वन बाय एक्स, लेकिन अगर लॉग के अंदर बेस ए है यहाँ पर और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वन बाय एक्स ही आता है, पर साइड में एक लॉन ए भी आएगा, जस्ट लाइक ए की पार एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों के अंदर, कि ए जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है और वन नहीं है, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम की। अच्छा, ये तो वो वाली बात हो गई, और अब इनवर्स वाले पे थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। तो इनवर्स का भी फॉर्मूला लिख लो, नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, इन क्वेश्चंस में तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एफ इनवर्स एक्स जो है, अगर तुम्हें किसी भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले क्या करो, पहले सिंपल जो इसका एक्चुअल फंक्शन है एफ एक्स उसका डिफरेंशिएशन कर लो, और जो आंसर आएगा उसके अंदर जो एफ इनवर्स है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस विल बी योर सिंपल सिंपल आंसर। इसका प्रूफ हम लोगों ने एक तरीके से देख लिया है, और अब इसकी इंट्यूशन अभी हम देखेंगे। पहले हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस से साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो उसके लिए पहले ये समझो कि साइन इनवर्स का उल्टा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन एक्स, राइट। तो वन अपॉन के अंदर पहले मैंने सिंपल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब ये जो आंसर आया है मेरा, इसके अंदर वापस से मैं साइन इनवर्स एक्स घुसाने वाला हूँ, ठीक है, तो इट विल बी वन अपॉन कॉस के अंदर साइन इनवर्स एक्स। अब तुम्हें ये लग रहा होगा ये क्या बकवास है, ठीक है, मतलब अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो जिसको भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको पता है, और बाकी मैं एक बहुत ही इंट्यूटिव आइडिया तुम्हें देता हूँ जिससे कि जिसको नहीं भी आती है वो भी समझ जाएगा। देखो एक सिंपल ट्राइंगल वाले से मैं समझाता हूँ इसको, वैसे तो आई टी एफ में भी ऐसे समझाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। देखो
साइन इनवर्स जो है ना वो एक्चुअल में एक एंगल है सिंपल। तो अगर इस एंगल का नाम है साइन इनवर्स एक्स, जैसे थीटा नहीं होता है तो थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स जो है उससे हम ये समझें कि साइन एक्स एक्चुअल में क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक्स बाय वन लिखा हुआ है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। दिस इज एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ऑपोजिट एंगल मेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अगर तुम इस तरीके से समझोगे तो याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, ठीक है। और मुझसे बोला जा रहा है अब मुझे इसका बेस निकालना है, एक मिनट। तो इसका बेस कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर क्या आएगा, वन माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, राइट। ऑब्वियसली हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो बेस क्या है, वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन, तो वो तो इग्नोर हो जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये क्या लिखा है, वन अपॉन कॉस थीटा है, ये तो सिंपल सा। तो सिंपली वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक सो ये चीज़ तुम्हें क्रिस्टल क्लियर है, ओके। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज योर माइन क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, वन अपॉन के अंदर रूट के अंदर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द डोमेन वी कैन से कि एक्स जो होगा वो ऑब्वियसली माइनस वन से वन में होगा। जिन लोगों ने भी इनवर्स पढ़ रखा है वो अपने आप दिमाग लगा लें, ठीक है। मैं फालतू टाइम वेस्ट करने के मूड में हूँ नहीं, ठीक है। अच्छा एक मिनट जो बाकी तुम्हें मेनली तो तुम्हें बस ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब कॉस इनवर्स जो होता है उसमें भी तुम बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर करके देखना अपने आप, तो तुम्हें इसका आंसर मिलेगा सिंपल सा, माइनस वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनके अब टैन निकालते हैं, चलो ठीक है। बल्कि टैन इनवर्स नहीं, मैं सीधे निकालता हूँ सेक, नहीं सेक नहीं, इसके जैसा कौन सा होता है, कॉट इनवर्स, ठीक है। तो उसमें एक नेगेटिव आएगा, तो अब मैं नेगेटिव वाला बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले कॉट इनवर्स निकालते हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से करते हैं जो हमारे पास है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉटेक्स होगा। तो कॉटेक्स का डेरिवेटिव बोलो जल्दी से, तो वेल कॉटेक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज योर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, पर हमें पता है कि एक्स की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, कॉट इनवर्स एक्स, सिंपल, ठीक है, ठीक है। अच्छा आई थिंक सो ये बात तुम्हें समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, राइट। तो एक काम तो हम पहले ये करें कि इसको उसमें डालें ट्राइंगल से, तो ट्राइंगल से अगर मैं देखूंगा इसको कॉट इनवर्स एक्स, फिर से आपका वही थीटा है, ठीक है। थीटा को हमने बोला रखा है कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स में ये जो एक्स होता है ये क्या होता है, कॉट के अंदर एक्स क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है, तो कॉट थीटा नहीं, तो सिंपल कॉट वाइज देखो, कॉट के अंदर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वन, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूस होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, परफेक्ट। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे ये बता कि कॉसेक कॉट इनवर्स क्या होगा, यानी कि कॉसेक थीटा बता दे बस मेरे को, या फिर अगर तुम कॉसेक से कन्फ्यूज हो रहे हो तो तुम साइन थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय आपका वही हाइपोटेन्यूस, यानी कि वन अपॉन रूट के अंदर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, सिंपल सिंपल। अब ये थीटा की जगह पे बस कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, और ये कोसेक स्क्वायर है तो इसको तो तुम समझ ही गए होगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस में साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स। इनफैक्ट कॉट इनवर्स को मैंने थीटा बोल रखा है, दिस इज सिंपली माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन थीटा मुझे पता है, यानी कि इसी का ही क्या करना है, स्क्वायर करना है बस, राइट। तो वन अपॉन रूट के अंदर जो दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो, सिंपल, राइट। तो यू विल गेट सिंपली वॉट, माइनस देखो बाहर रहेगा स्क्वायर के, ठीक है, बिकॉज कोसेक के बाहर था वो, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव, ओके। अच्छा और इसमें कोई झोली नहीं है, देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स बिलोंग्स टू सिंपल आपका रियल नंबर, तो जो चाहो वो डालो, कोई कभी अनडिफाइंड कुछ होगा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं समझ में आ गया कि टैन इनवर्स का और कॉट इनवर्स का मैं एक ही बार में लिख देता हूँ, तो कॉट इनवर्स का तो मैंने तुम्हारे सामने डिराइव किया है, दैट इज माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और टैन इनवर्स का जो होगा दैट वुड बी वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है, और दोनों ही ऑब्वियसली जो चाहो तुम वो डाल सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें दिक्कत थी इस वाले में, है ना, इन दोनों में हमें माइनस वन से वन में डालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डोमेन, क्योंकि वरना अगर तुमने वन और माइनस वन डाल दिया तो ये जीरो हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, और अगर तुमने वन से बड़ा कुछ डाल दिया तो ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस वजह से ये डोमेन लिखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है, कि एक्स को इतना ही रख सकते हो तुम, बस इसके बाहर नहीं रख सकते, इसके बाद तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। इस पर भी मैं आऊँगा एक वीडियो, अभी एक टॉपिक है डिफ्रेंशिएबिलिटी, उसमें यही सिखाया जाता है कि
कोई फंक्शन जो होता है वो हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो वो एक चीज़ ही अलग है, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो कई लोग मुझसे, जब मैं उनको पहली बार ये चीज़ लिखता हूँ ना, तो वो कहते हैं आपने जितने भी अभी तक बताए हैं, जैसे एक्स की पावर एन हो गया, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कितना सिंपल था। इसके साइड में आपने ये तो कुछ नहीं लिखा था कि एक्स जो है वो इतने से इतने के बीच में होना चाहिए एंड स्टफ, राइट। मैंने कहा हाँ सही बात है, मतलब एक तरीके से तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स। अगर इसके साइड में मैं ये ना लिखूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें जो डालना है वो डालो। तो ये तो बिल्कुल आपके पहले वालों की तरह है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो ऊपर के साइन और कॉस हैं, इसमें बच्चा ये देख के घबराता है कि ये क्या लगा हुआ है, इंटरवल लिखने की क्या जरूरत है। तो ये जरूरत है कि अगर ये नहीं किया तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर अभी मैं बाद में आऊंगा, अभी के लिए तुम बस लिख लो। तो इसलिए मैं पूरी कैलकुलस की थ्योरी एक बार में पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जाए, वरना ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं दिमाग में, ठीक है। जो डिफरेंशिएबिलिटी अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें समझाया जाएगा ये कि हर जगह डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब हर जगह नहीं होता है ये सब, अभी समझा देंगे, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो अब ऐसे ही लेटर से मैं निकालता हूँ, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये बताओ मेरे को। और अभी फिर इसके बाद में मैं फाइनली तुम्हें ये समझाऊंगा कि ये जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं इतनी देर से, जो इतना क्रांतिकारी फॉर्मूला है कि इतने खतरनाक फंक्शन, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इनका इतने मजे मजे में मेरे को आंसर दे रहा है, तो इसका भी हम देखेंगे कि इसका क्या विजुअल इंट्यूशन है, कैसे ये रेसिप्रोकल में बदल रहा है। तुम खुद कहोगे यार मजा आ गया, क्या सिंपल सी चीज़ थी, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ठीक है। अच्छा कॉसेक इनवर्स एक्स देखते हैं, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो वन अपॉन में कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, कॉसेक एक्स, सिंपल कॉसेक एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लिख दो। तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और सी, अच्छा तो यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, राइट, दिस इज द डेरिवेटिव। अब ये जो आया है इसके अंदर तुम जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या डाल दोगे, वहाँ पर तुम कॉसेक इनवर्स एक्स सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है। भैया बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, पहले हम सिंपल कॉसेक एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपने आप को क्लियर रखने के लिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक थीटा है, उसको हमने बोल रखा है कॉसेक इनवर्स एक्स। अब कॉसेक इनवर्स एक्स को ज़रा समझो ये क्या होता है, तो ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है, ये है, तो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, और एक्स बाय वन, तो ये आपका वन है, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो आपका ये जो है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर दो रेशियो चाहिए, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो कॉसेक थीटा चाहिए एक, तो मेरे को कॉसेक थीटा, और एक मेरे को कॉट थीटा चाहिए, ठीक है। तो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा ये चाहिए, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, दैट इज योर बेसिकली आपका, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन वही परपेंडिकुलर, सो एक्स अपॉन वन। अब कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन। अब ये एक्चुअल में कॉसेक एक्स लिखा हुआ है, पर अगर एक्स की जगह पे तुम ये डाल दोगे तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे बन जाएगा माइनस में, कॉसेक के अंदर डालो कॉसेक इनवर्स एक्स, और फिर कॉट के अंदर डालो कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी चीज़ को तो मैंने थीटा बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है कि माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, अब देखो कॉसेक थीटा को हमने क्या बोला है, कॉसेक थीटा का क्या आंसर आया है, सिंपल एक्स आया है, ठीक है। और कॉट थीटा का क्या आंसर आया है, कॉट थीटा का सिंपल सा आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट, ठीक है, दैट वुड बी इट। अच्छा इसमें बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो बाकियों में नहीं था वो इसमें है, ओके लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट। तो मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें सबसे सिंपल तरीके से समझाता हूँ और तुम्हें उससे एक बार में समझ में आ जाएगा। तो तुमने सेक इनवर्स का ग्राफ देख रखा है, ठीक है, और तुमने कॉसेक इनवर्स का भी ग्राफ देख रखा है। सेक इनवर्स के अंदर जो उसका ग्राफ होता है उसमें अगर मैं स्लोप बनाऊं, अगर मैं उसकी स्लोप निकालूंगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, जो उसकी टेंजेंट की स्लोप होगी किसी भी पॉइंट पर। पर ये सेम चीज़ कॉसेक के अंदर नहीं होगी, कॉसेक इनवर्स का जो ग्राफ होगा उसमें जब भी तुम टेंजेंट बनाओगे हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। बाकी मैं फिर से वही बोलूँगा, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी रेयर ही कभी ऐसा होता है कि कभी काम में आते हैं, वरना कभी काम में आते नहीं, ठीक है। इनफैक्ट ये ओवरऑल कभी काम में नहीं आता, मतलब कि कॉसेक इनवर्स को हम रेयरली ही कभी हम इनकी डेरिवेटिव निकालते हैं, वो तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इतना करा भी रहा हूँ, वरना इतनी नीड नहीं है। मतलब हाँ ऑब्वियसली हर टीचर तो मैं कराएगा, हर बोर्ड का टीचर कराएगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं इस पर, उसकी टेंशन मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस कराऊंगा, पर मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और खासकर जिन लोगों ने ITF नहीं कर रखा है उनका तो सब कुछ ही ऊपर से निकल रहा होगा, तो तुम इस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे आता हूँ, जो मैंने बोला था ना कि वो एफ इनवर्स एक्स इसका जो डेरिवेटिव होता है उसके उसकी इंट्यूशन फीलिंग पे आता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बहुत अच्छी एक वो आ जाएगी फील।
ध्यान से देखना इसको, लेट अस से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैं ई की पावर एक्स और लॉग एक्स वाला लूंगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता हो तो हमें पता है कि लॉगरिथम का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, राइट, इस तरीके से बनता है। और अगर मैं जानता हूँ इस चीज़ को, तो ये तो लॉग एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन है, लेट अस से इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन। तो इनवर्स फंक्शन जो होता है वो आपका इसी तरीके से बढ़ जाता है, तो बिल्कुल इसका जो उल्टा बनता है वो आपका यहाँ से जाता हुआ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से है, बिल्कुल उल्टा है इसका। एंड दिस इज ए की पार एक्स, ठीक है, ये हमारा ए की पार एक्स है, ठीक है जी, परफेक्ट, राइट, साफ साफ दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये मिरर टाइप का है, वाई इक्वल्स टू एक्स, और उस पर ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, और नाउ यू विल बी क्वाइट क्लियर कि क्या चीज़ चल रही थी यहाँ पे क्लियर से, ठीक है। लेट अस से कोई भी एक पॉइंट लिया, और इस यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इस पॉइंट के अंदर, अगर मैं लेट अस से एक पॉइंट लिया मैंने, अब मैं बहुत चालाकी से खेलने वाला हूँ, ध्यान से देखना इसको। लेट अस से इस पॉइंट का नाम है लॉग ए, ठीक है, लॉग बेस ए, और यहाँ पर मैंने कोई ऐसी कोई फलाना टू वैल्यू ले लिया, तो इसके अंदर अगर तुम ये चीज़ डालोगे तो क्या अंदर जाएगा, ए की पार एक्स, तो यानी कि लॉग ए टू, ए और ए कट जाएगा, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल सा टू आ जाएगा, राइट। तो इधर जो ये जो चीज़ आने वाली है, दिस इज़ टू, यानी कि अगर मैं एक जनरलाइज कर लूँ चीज़ों को, अगर मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ अगर मैंने एक्स डाला होता तो यहाँ पर एक्स आ जाता, सिंपल, यही इसका उल्टा ठीक यहाँ पे होगा। अगर तुम यहाँ पर कोई सिंपल वैल्यू डालोगे, एंड दैट इज लेट अस से सिंपल, मैंने यहाँ पे कोई भी एक एक्स डाला इसके अंदर, तो जो भी मेरा आंसर होगा उस आंसर को ही तो हम क्या बोलते हैं, उस आंसर को ही हमने क्या बोला है, लॉग बेस ए, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस ये समझाना था कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूंगा, तो जैसे यहाँ तो मैंने चलो टू लिया था उस टाइम पे, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, मतलब क्या इसके वो होंगे कोऑर्डिनेट्स, पहला होगा जो हमने डाला है दैट इज लॉग ए टू, और उसके बदले में आंसर आ रहा है टू। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डालता ही टू, तो अगर मैं इसके अंदर टू डालूँ, इस फंक्शन के अंदर टू डालूंगा, ठीक है, तो अगर मैंने इसके अंदर टू डाला होता तो क्या आंसर आता, टू कॉमा लॉग ए टू। अब ज़रा तुम इन सब चीज़ों को हटा दो यहाँ से, और इन दोनों पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से देखना क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है। इस पॉइंट को देखो यहाँ पे, और तुम इस पॉइंट को ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तरीके से ऐसे लिखा हुआ है कि अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो ये वाई कॉमा एक्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो दोनों का सिमेट्रिकली उल्टे हैं, ये सब चीज़ें उनको आती होंगी जिन्होंने भी इन्वर्स पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह पे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, तभी फील आएगी, तभी इंट्यूशन बनेगा तुम्हारे दिमाग में। अगर मैं इस पॉइंट पे एक वो बनाऊँ, टेंजेंट बनाऊँ, तो लेट अस मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दी इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे ही एक टेंजेंट मैंने यहाँ बनाई, दिस इज द टेंजेंट राइट हियर। तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या है, इस टेंजेंट की स्लोप क्या है, इस वाले की, तो इस वाले की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वेल इट वुड बी, ए की पार एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पार एक्स लॉन ए, राइट राइट, सही बात है एकदम। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए कि ए की पार एक्स लॉन ए तो हमने लिख दिया, अब किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल में हमने जो लिया है दैट इज लॉग ए टू, तो यहाँ पर तुम्हें डालना पड़ेगा एक्स की जगह पे लॉग ए टू, इसकी वजह से तुम्हें आंसर मिलेगा टू लॉन ए, दिस इज द स्लोप टू लॉन ए, ये जो वाइट कलर की तुम्हें लाइन दिख रही है ये इसकी स्लोप है टू लॉन ए, ठीक है ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनना, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है, इस पे अगर मैं इसकी स्लोप जनरली निकालना चाहता हूँ, तो स्लोप का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, तो अगर मैं इतना एक्स बड़ा हूँ, इतना मैंने एक्स बढ़ाया है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग बाएं में इतना चेंज आया है, यही तो मतलब होता है इस चीज़ का, यही तो मतलब होता है ना, यही इसकी फील है एक्चुअल में स्लोप की, है ना। तो इसको भी एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज करके ही समझाता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो इतना अच्छे से समझ में आएगा कि तुम कहोगे यार मज़ा ही आ गया, मतलब क्या बात बोली है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दोनों चीज़ें रेसिप्रोकल क्यों होती हैं, क्या होता है। तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, पर इट विल बी क्वाइट क्लियर। सो हाँ, तो देखना जरा ध्यान से देखना, मैं इन दोनों पॉइंट्स को बना रहा हूँ, तो मैं अगर इतना आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे इतना आगे होगा। अब इसी का अगर मैं एक सिमेट्रिक बिल्कुल यहाँ पे बनाऊँ, बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे बनाऊँ, है ना, बिल्कुल अगर तुम यहाँ पे भी इसी चीज़ को बनाना चाहोगे, ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को बनाना चाहोगे, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है मेरे भाई कि यहाँ पर तुम्हें पहले इतना वर्टिकल डिस्टेंस चलना पड़ेगा,
फिर तुम ऐसे करोगे। ओ सॉरी, थोड़ा सा और मतलब कि ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। क्या तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया ये हुआ क्या? कुछ कुछ हल्की सी समझ में आई क्या हुआ क्या, ये क्या उल्टा हो गया? कुछ 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 तो फीलिंग आ रही होगी कि ये जो ट्रायंगल यहाँ पे हमें दिख रहा था, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे था, अगर ये इसको कलर कर दूँ, अरे यार मतलब जैसे ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ये वाला बस ये घुमा दिया है किसी ने और उल्टा करके यहाँ लगा दिया है। क्या ये वाली फीलिंग आ रही है? क्या ये वाली फीलिंग आ रही है? अगर ये फील आ रही है तो तुम समझ चुके हो चीज़ों को, क्योंकि मतलब ऐसे समझो, ऐसे समझने की कोशिश करो। तो अब बिल्कुल इसको ऐसे देखना, जैसे यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो अगर इस पॉइंट को लेट अस से मैंने बोला, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट अस से क्या लिखूँ, चलो पी कॉमा क्यू है लेट अस से इसके पॉइंट्स। तो इसका ठीक जो सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक इसका उल्टा, यानी कि क्यू कॉमा पी, ठीक है। चलो इसको बोलते हैं पी वन और इसको बोलते हैं क्यू वन, इसको बोलते हैं क्यू वन, इसको बोलते हैं पी वन, ठीक है। अब इसको बोल देंगे हम लोग वही पी टू कॉमा क्यू टू। तो इसका जो सिमेट्रिक यहाँ लगा हुआ है, इसका ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? ये होगा क्यू टू कॉमा पी टू। अब जो स्लोप होती है, ये जो एम टू लॉन ए आया है, ये जो टू लॉन ए ये जो आया है, ये एक्चुअल में किसके बराबर है? अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा तो एक्स में कितना चेंज आया? तो एक्स में चेंज आया है क्यू टू माइनस क्यू वन का, ठीक है, क्यू टू माइनस क्यू वन का इतना चेंज आया एक्स में। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज आया है? ओ सॉरी, पी टू माइनस पी वन का चेंज आया, मैंने उल्टा लिख दिया है ना, वाई में थोड़ी, पहले एक्स में निकालो। तो एक्स में कितने का चेंज आया? पी टू माइनस पी वन का, है ना। इस डिफरेंस को देखो, ये पी टू है, ये पी टू है, देखो यहाँ यहाँ तक तो हमारा पी टू है, यहाँ तक इट इज़ पी टू एंड यहाँ तक इट इज़ पी वन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? पी टू माइनस पी वन। और ये जो डिफरेंस है ये कितना होगा? ये होगा क्यू टू माइनस क्यू वन, दिस विल बी क्यू टू माइनस क्यू वन, ठीक है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ लगाना चाहूँ तो ये फिलहाल इसकी स्लोप हो गई, आई थिंक से समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा तो भैया तुम स्किप मार सकते हो, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में इसको। तो अब इस वाली अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँगा तो इसकी स्लोप क्या होगी? एक्स में कितने का चेंज आया? एक्स में कितने का चेंज आया है? क्यू वन से क्यू टू, देख रहे हो शिफ्ट हो गया, एक उल्टा हो गया कहानी यहाँ पर, यहाँ नीचे क्या आ रहा है? यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो एक्स में कितने का चेंज आया है? क्यू टू माइनस क्यू वन, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में कितने का चेंज आया है? वाई में चेंज आया है पी टू माइनस पी वन। कैन यू सी, ये आपका रेशियो बस रिवर्स हो गया है। तो इसका आंसर उस हिसाब से इस ये जो आया है इसका उल्टा होगा, यानी कि वन अपॉन टू लॉन। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अगर तुम्हें ये ट्राइंगल समझ में आ गया कि ट्राइंगल घूम गया है बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, तो तुम समझ जाओगे कि इस वाली वाइट लाइन की स्लोप क्या होगी? वन अपॉन टू लॉन ए, दैट इज द होल पॉइंट, दैट इज द होल फकिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूँ, तो जनरलाइज करते हुए मैं सिंपल ये बोलूँगा, एक मिनट, इस तरीके से कि एक तो ये, दूसरा लेट अस से ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, दिस इज योर वाई इक्वल्स टू एक्स, ओके। और लेट अस से ये मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर कोई भी, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा फंक्शन है, ठीक है, जो इसका इनवर्स है, इसके जैसे ही बनाना पड़ेगा रिवर्स में, अब लग रहा है देखने में थोड़ा बहुत। और मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ इनमें, ठीक है, कोई भी एक मैंने पॉइंट दे दिया लेट अस से ये, और इस यहाँ पर ले लिया ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों पर टेंजेंट बनाऊंगा, ठीक है, तो टेंजेंट भी बना के आ जाओ, तो ये इसका टेंजेंट है और ये इसका टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो और एक मिनट, इनका नामकरण तो करते हैं पहले लाल फंक्शन का, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने बोला है एफ एक्स, तो ऑब्वियसली ये क्या लगा हुआ है? ये है एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा दूसरा अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है, ध्यान से समझना। देखो इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर मैंने एक्स के अंदर एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, जनरल पॉइंट है लेट अस से मैंने यहाँ पे डाला है एफ इनवर्स एक्स। तो अगर फंक्शन एफ एक्स के अंदर अगर एफ इनवर्स एक्स डालते हैं तो क्या आंसर आता है? तो आंसर आता है एक्स। अगर एफ के अंदर एफ इनवर्स एक्स डालोगे तो क्या आंसर आता है? एक्स आता है। यही तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इससे ही, तो राइट, तो एक्स आता है। और अगर एफ इनवर्स एक्स के अंदर एक्स डालोगे तो क्या आंसर आएगा? तो आपका आंसर एफ इनवर्स एक्स आएगा, ये तो पता ही है। फिलहाल हम तो इसका फायदा उठाएंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का जो स्लोप है, ये जनरल मैंने एक स्लोप बनाई है किसी भी एक पॉइंट पे। तो अगर मैं इस स्लोप के बारे में बात करूंगा, तो पहले तो मुझे बताओ इस स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आउट डिफरेंशिएट कर दिया पहले मैंने एफ डैश एक्स। अब एक्स की जगह पे क्या डालोगे? जो भी वो पॉइंट है, और उसी को हमने क्या लिया है? उसी को हमने क्या लिया है? एफ इनवर्स एक्स। ये बिल्कुल वही चीज़ हो रही है जो मैंने यहाँ करा है। ये जो टू लॉन ए आया था, जैसे ही आया था बिल्कुल वही किया है।
पहले क्या आया था, पहले आया था ए की पार एक्स लॉन ए, उसके बाद हमने ये पॉइंट डाला था इसके अंदर, पॉइंट क्या था, लॉग ए बेस लॉग ए टू, अब वो जब डाला था तो आंसर टू लॉन आ गया था, बिल्कुल वही चीज़ हुई है यहाँ पर, वही किया मैंने यहाँ पर, बस जनरलाइज कर दिया है तो देखने में अजीब लग रहा है। और फिर अब हम पहले से एनालाइज करके बैठे हुए हैं कि यहाँ पर अगर तुम कोई भी दो जनरल पॉइंट्स ले लोगे जैसे ये और ये, तो ये ऐसा इसमें बनेगा और यहाँ पर ठीक इसका उल्टा बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी स्लोप जो है वो कुछ नहीं, इसका सिंपल रेसिप्रोकल है, ये सबसे इंट्यूटिव लेवल पे इसको समझा सकते हैं, तो ऐसे समझा सकते हैं, तो इसका ठीक उल्टा यानी कि वन अपॉन में एफ डैश एफ इनवर्स, तो एक झटके में ये इसका सिंपल आइडिया है। तो जो हम पूरे लेक्चर में जो ये यूज़ करते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से, जिसकी बेसिस पर हमने इतने क्रांतिकारी फॉर्मूले निकाल दिए हैं, वो सब आपका ये है, मतलब ये पूरी इसकी फील है, पूरा इंट्यूटिव फील है इसका, ठीक है, आई थिंक सो, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और वैसे आज का लेक्चर काफ़ी टफ हो गया वैसे नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, पर अब चलो जैसा भी है, ठीक है। तो अब जिन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक का, उन लोगों को सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है जो मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, ठीक है, बाकी सब कुछ भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली, सबसे पहली चीज़, ई की पार एक्स का डेरीवेटिव ई की पार एक्स होता है, ठीक है, ये कभी ना भूलें आप, ए की पार एक्स का डेरिवेटिव क्यों होता है भूल जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम भूल गए कि क्यों होता है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमेशा याद रखो कि ये होता है, क्योंकि दुर्भाग्यवश जो भी मेरे टाइप के लोग हैं उनके लिए तो ये बुरी चीज़ है कि जिनको फील से प्यार है वो कहेंगे अरे यार फॉर्मूले याद रखने पड़ रहे हैं, पर जिनको भी वो है कि यार जेई क्लियर करना है मार्क्स वार्क्स लाने, तो उनके लिए तो डेफिनेटली तुम्हें ये तो याद होना ही चाहिए बेयर मिनिमम, ठीक है। फिर अगर मैं लॉन, अरे यार ये लॉन ए के लिए देता हूँ मैं बार बार, तो लॉन एक्स अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे इट वुड बी 1/x, ठीक है, अगर मैं लॉग बेस ए एक्स इसका डेरिवेटिव लूंगा, नाउ यू विल गेट 1/x लॉन ए, ठीक है। और पाँच का अभी अभी तो हम लोगों ने बहुत देख लिया, तो पाँचवा वो वाला था, तो कोई भी अगर एफ इनवर्स एक्स है और इसका हमने डेरिवेटिव लिया है, तो सिंपल पहले क्या करो, पहले जो एफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और अब जो आंसर आया है उसके अंदर एफ इनवर्स एक्स सब्सटीट्यूट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब बाकी इनवर्स वाले हैं तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, 6 7 8, देखो ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, फिर टैन इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन, और फिर आपका सेक इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन। सो ये सबसे सिंपल है, रूट के अंदर 1 - x² ये क्या होता है, 1 + x² तो और भी ज़्यादा सिंपल है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, दैट इज मॉड एक्स रूट के अंदर x² - 1, ठीक है। अब ये तो तुमने लिख दिया, अब इसके नीचे इनके उल्टा लिखो, यानी कि 9th, 10th और 11th, तुमको पता होना चाहिए यहाँ पर कि, क्योंकि यहाँ पर देखो सब में सी है, देखो सी ना वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, सी एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आता है, हर एक के अंदर नेगेटिव आने वाला है, तुम्हें पता है ये चीज़, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सेक इनवर्स सेक, तो ये ऐसे याद रख लो ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम्हें कोई भी प्रूफ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसे याद रख लो, दैट्स इट, -1 के अंदर रूट लगा दो -1² यहाँ पे आ जाएगा -1 1 + x² और -1। और जिन लोगों ने पढ़ भी नहीं रखा है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब फंक्शन, ठीक है, वो भी इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, मोर और लेस तुम्हें एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा कि इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये जाने बिना कि ये होते क्या है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये मेन है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो ये हो गया, और आपके एक्सपोनेंशियल के भी सारे आ गए, और आपका इनवर्स रूल भी मैंने इस लेक्चर में बता दिया। तो वैसे हमने इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें कर डाली हैं एक ही बार में, ठीक है, पर अच्छा है जैसा भी है यार। बल्कि एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख सकते हो कि उन दोनों की स्लोप रेसिप्रोकल होती है, तो वो डायग्राम अपने पास एक छोटा सा रफ डायग्राम टाइप का बना सकते हो, यहाँ पर इस टाइप से ऐसे कर दिया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, तो इसकी जो एम स्लोप है, तो इसकी नहीं, ये जो मैंने टेंजेंट बना दी यहाँ पर, कलर तुम दूसरे यूज़ कर सकते हो अपनी कॉपी के लिए, तो इसकी टेंजेंट लेटर से M1 है और ये लेटर से M2 है, तो M1 जो है वो रेसिप्रोकल होता है M2 का, ठीक है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि M1 M2 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। अच्छा, इसको हम एंगल वेंगल से भी बता सकते हैं कि लेटर से ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, लेटर से M2 का एंगल ये आपका बीटा है, तो टैन अल्फ़ा जो है वो रेसिप्रोकल है इसका टैन बीटा का, ठीक है, तो टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा 1 हो जाएगा, तो इस टाइप की चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके सारे फॉर्मले हो गए, ये सब ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुमको और ये भी आ गया आई थिंक सो। चलो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, जिससे कि फाइनली मैं इसको गुड बाय बोलता हूँ, ओके। तो कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ 4-5 और उससे तुम क्लियर हो जाओगे, ठीक है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, जितने भी अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े हैं ये सब जो देखे हैं, इस पर मैं भर भर के प्रैक्टिस कराऊंगा, 100 100 150 150 क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें, सिंपल से सिंपल, सिंपल से सिंपल, जैसे कि तुम्हें सारे फॉर्मले याद हो जाए। पर ये सब, ये थ्योरी चल रही है अभी, ठीक है, जब क्वेश्चन पे आएंगे ना तो तुम ये सारे फॉर्मले अपने आप याद करा दूंगा मैं। तो अगर तुमसे एक बार को अभी ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो तुम इनको स्किप कर सकते हो, स्किप मतलब बस पढ़ लिया है, नोट्स में आ गया है, 2-4 बार पढ़ लिया है, उसको हम बाद में कर लेंगे, अभी हमें इनको सब कुछ पता है कि क्या क्या ये होता है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो सब आ जाएगा।
तो मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा डिफरेंशिएशन एंड इसके ऊपर, उसमें तुम टेंशन मतलब इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि भाई साहब ठीक है टेंशन मत लिया करो बस तुम, मुझे डर लगने लगता है जब तुम टेंशन लेते हो, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्योंकि तुम टेंशन ले रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें दिख भी नहीं रहा हूँ ना तुम मुझे देख पा रहे हो। ठीक है जैसे अभी है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो पहले साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स नहीं लिखा है, यहाँ तो रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स का स्क्वायर। और अब ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज वन अपॉन टू रूट एक्स, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो ये आपका रूट एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिंपल वन माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है सो दिस इज द आंसर, दैट्स इट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना जरा, तो ये आपका अगर तुम देखोगे तो दिस इज योर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा इसमें। तो पहले तो हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लें, तो टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को तुमने थोड़ा मिठाई दी है, तो पहले हम ऊपर वाले इसको पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे इस चक्कर में। तो ई की पावर एक्स और टैन इनवर्स एक्स एज इट इज लिखा रहेगा, फिर माइनस में। अब ई की पावर एक्स को तो ऐसे ऐसे लिख रहे दो, और टैन इनवर्स को डिफरेंशिएट करो, मेकिंग इट वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बस यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है इसको देखो जरा, ए की पावर में समथिंग दे रखा है, तो ए की पावर में समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी है पहले तो वही लिख दिया, ए की पावर में जो भी है वो नौटंकी ऐसे एज इट इज लिख दी एंड लॉन ए। अब ये जो चीज़ है, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स, तो x यानी कि साइन इनवर्स x। और अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मेकिंग इट वन अपॉन वन माइनस x का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है बस दैट्स इट। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इतनी देर में तुम्हें साइन इनवर्स का तो एटलीस्ट याद हो गया होगा कि इट इज वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस x का स्क्वायर, जबकि हमने सिर्फ तीन क्वेश्चन करें। तो जब मैं तुम्हें सौ सौ क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम सोच पा रहे होगे कि सब याद हो जाएगा। ठीक है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में हम बहुत अच्छे से करेंगे, तो कभी टेंशन मत लेना फॉर्मुलों के बारे में, तो मेरे एटलीस्ट केस में तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि मैथ्स का ऐसा कोई फॉर्मुला नहीं है जो प्रैक्टिस से याद ना किया जा सके। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा फॉर्मुला नहीं हुआ जो मैं ऐसे डटा जा रहा हूँ, हे भगवान लॉन एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, लॉन एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, ऐसे बोलते रहोगे कुछ याद नहीं होगा, मेरे को तो आज तक नहीं हो, कम से कम प्रैक्टिस करके झटके में याद हो जाता है, एक सेकंड में याद हो जाता है। ठीक है तो दैट इज द होल पॉइंट। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो लेंगे, तो तुम मेरा चाहो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो है वो तुम खरीद सकते हो, वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, दिस इज थ्योरी ऑफ कैलकुलस, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, वो इसके बाद है। ठीक है मतलब ऑब्वियसली जब तुम थ्योरी पढ़ लोगे उसी के बाद तो क्वेश्चंस करोगे, तो वो वाला कोर्स उसके बाद तुम ले सकते हो। ठीक है उसके लिए लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में है ही, और बाकी तुम नंबर उम्बर से ले सकते हो, सब डिस्क्रिप्शन में सब पता होगा। ठीक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो अगर तुम्हें वो लेना है तो। एनीवेज तो फिलहाल दैट्स इट, मिलते हैं अगले वाले में। तो वैसे यहाँ इसके साथ ये जो हमने अभी पूरा ये जो किया है इसके साथ ही हमारा जो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले थे, ठीक है कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, वो सब खत्म हो गया है। ठीक है दैट्स इट। ठीक है तो बढ़िया, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखो अगर तुम देखोगे तो पहले तो एक हल्का सा अगर मैं आइडिया दूँ, देखो हमने ले देखा कि अगर मैं डेरिवेटिव के बारे में बात करूँ तो ये क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ले दे करके वही है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि लॉन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ना बेटे वो वन बाई एक्स होता है, तो इससे तुम क्या समझते हो, इससे मैं तो एटलीस्ट ये समझ सकता हूँ एक ही बार में, अगर कोई मुझसे बकवास पहलेगा तो मैं उसको एक मिनट में समझा दूंगा बॉस कि देख सुनी मेरी बात सुन। देखो भाई अगर ये हमारा वही हमारा ये वो है, ठीक है एंड लेट से अगर मैं यहाँ पर वो बना दूँ, ये मेरा लॉन एक्स का ग्राफ जा रहा है, और वन बाय एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो वन बाय एक्स का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से होता है, ये दिस इज वन बाय एक्स का ग्राफ, नेगेटिव में बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है क्योंकि जब लॉग आरिथम है ही नहीं नेगेटिव, तो तुम बना भी दोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। अब अगर मैं इसको एनालाइज करूंगा तो मैं डिफरेंट पोजीशंस पे इसकी स्लोप बना सकता हूँ, इसकी टेंजेंट बना सकता हूँ, उसकी स्लोप है बस और कुछ नहीं है। जैसे कि अगर तुम इधर देखते हो तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो अगर तुम इस टेंजेंट को देखोगे ना जब ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये जो टेंजेंट है तुम्हारा, ठीक है ये अगर तुम और इसको वो बनाओगे तो ये बिल्कुल क्या होता जा रहा है, बिल्कुल वर्टिकल होता जा रहा है, बिल्कुल खड़ा होता जा रहा है, और खड़े हुए स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो इन्फिनिटी होती है। इस वजह से ये जो ब्लू वाला ग्राफ है तुम देख सकते हो, जब ये तुम्हारा जो लॉन एक्स है ये कहाँ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, उस टाइम पे अगर तुम यहाँ टेंजेंट बनाओगे ना तो वो कहाँ जाएगी, आइडियली वो तुम्हारी इन्फिनिटी पे जाएगी। ठीक है इस वजह से जो इसके डेरिवेटिव जो का जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है जीरो के पास में। ठीक है दैट इज द होल पर्पस ऑफ मेकिंग अ डेरिवेटिव। जैसे अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ और यहाँ पर एक डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो वो जो फाइनाइट वैल्यू होगी इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हम यहाँ देख सकते होंगे, वो ये होगी। ठीक है ये जो भी इसका आंसर होगा दैट विल बी इट। ठीक है जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे देखो तो ये जैसे इन्फिनिटी पे जाता है, हमारा लॉन एक्स जो है वो इन्फिनिटी पे जाता है, तो पर ये बात भी क्लियर है, देखो अगर ध्यान से देखोगे कि जब ये इन्फिनिटी पे जाता है तो इसकी स्लोप जो है वो बहुत कम होती जा रही है, कैन यू सी दैट शिट। ठीक है कि मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की तरफ ऐसे जाता हुआ इसी हो रही है, इस वजह से वन बाय एक्स का जो ग्राफ है वो आपका ऐसा बनता है, जीरो की तरफ जाता हुआ बनता है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल देख रहे हो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो यहाँ पे कितनी थी, ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर और बड़ी और बड़ी, और धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब बिल्कुल ऐसा होती जा रही है जैसे हॉरिजॉन्टल।
इस वजह से ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये इंट्यूशन भी थोड़ी बहुत क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में पता है हमने क्या करने वाले हैं, हम ये बोलेंगे एक बात सुंदरा, ये जो लॉन एक्स का तुमने ग्राफ बोला है क्या ये हर जगह डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम इसका? अगर मैं तुमसे बोलूँ इसको डिफरेंशिएट करके इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू माइनस टू डाल दो, तो क्या डाल दोगे तुम इसके अंदर? नहीं डाल सकते ना, क्योंकि पॉजिटिव के वैलिड है सर। पर अगर तुम देखोगे तो डेरिवेटिव में हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी है। इनफैक्ट जब मैं बोलता हूँ 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव तो क्या आंसर आता है? -1 बाय एक्स का स्क्वायर। हम बड़े हंसते हंसते इसको बोलते हैं, कहते हैं हाँ बात तो सही है, पर 1 बाय एक्स का जो ग्राफ होता है वो तो ये होता है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ ये आपका जीरो होता है, तो अगर तुम बोलते हो कि चलो लेट अस से 5 पे बता दो, तो 5 पे तो चलो तुम सही है, एक टेंजेंट हमने बना दी और उसकी जो स्लोप है वो ये दे देगा मेरे को, एंड दैट वुड बी -1 बाय 25, ठीक है, वो इसकी स्लोप हो जाएगी इस टेंजेंट की। पर अगर मैं बोलूँ x इक्वल्स टू जीरो पर क्या हिसाब किताब है, तो x इक्वल्स टू जीरो पर तो इधर तो ये भाई साहब इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर तो ये भाई साहब माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया यार, ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया भाई, ये तो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो टेंजेंट बनाओगे कहाँ पे? ऐसे टेंजेंट बनाओगे या ऐसे टेंजेंट बनाओगे, क्या करोगे यहाँ पर? सब फंस गए ना, फंस गए, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर तो हम फंस गए, हम टेंजेंट बना ही नहीं पा रहे हैं, तो स्लोप कहाँ से लगाएंगे उसकी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर ये सब लिखना जरूरी है कि एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब अच्छा ऐसा भी होता है क्या कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन तो आ रहा है पर आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा यार ये, है ना, कन्फ्यूजन हो गया ना थोड़ा सा। तो इसी कन्फ्यूजन को मैथमेटिशियंस को भी हुआ था ये, और उसी को ही नाम दिया गया फिर आगे जाके डिफरेंशिएबिलिटी, एक पूरा नया कंसेप्ट बनाया जाएगा इसके लिए कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, कि कैसे हर फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे जैसे मॉडुलस एक्स हो गया, जीआईएफ एक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो गया, सिग्नम एक्स हो गया, ठीक है, या कोई भी पीस वाइज फंक्शन हो गया, उन सबके इन सबके डेरिवेटिव के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी है, तो उस सब पे भी बात करनी है हमें कि कैसे हम इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर से, एकदम अलग लेवल की श्रेणियों पर बात होने वाली है, ठीक है, और उसके बाद हम फाइनली लपेट देंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इस पर बात करने वाले हैं कि कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, आई थिंक सो मज़ा आ रहा होगा।